यानी ये बात हंसी की जरूर है, मजाक अपनी जगह है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी है, लेकिन कुछ चिंताएं इससे भी बड़ी हैं। आज भारत में डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी अनेक लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ती जा रही है। कभी कभी तो सुनते हैं परिवार में 12-15 साल का बच्चा डायबिटिक पेशेंट हो गया है। अपने आसपास देखिए तो आपको अनेक लोग इनसे पीड़ित मिल जाएंगे। पहले हम सुनते थे कि 50-60 की उम्र के बाद हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन आज कभी कभी खबर आती है 30 साल, 35 साल, 40 साल का नौजवान बेटा बेटी चले गए, हार्ट अटैक आ रहा है। यह स्थिति वाकई बहुत चिंताजनक है, लेकिन इन सारी स्थितियों में भी उम्मीद की एक किरण भी है। अब आप सोचेंगे कि इन बीमारियों के बीच भी उम्मीद की किरण की बात कैसे कह रहा हूं। मैं स्वभाव से बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग करने वाला इंसान हूं, इसलिए मुझे उसमें से भी कुछ अच्छी चीजें मैं ढूंढ के निकालता हूं। साथियों, लाइफस्टाइल डिसीज हो रही है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को हम लाइफस्टाइल बदल के उसमें बदलाव करके उसको ठीक भी कर सकते हैं। तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हम अपने डेली रूटीन में छोटे छोटे बदलाव करके, अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके उससे हम बच सकते हैं, उसको दूर रख सकते हैं। इन बदलावों के लिए देश को प्रेरित करने का नाम ही फिट इंडिया मूवमेंट है, और यह कोई सरकारी मूवमेंट नहीं है। सरकार तो एक कैटलिक एजेंट के रूप में इस विषय को आगे बढ़ाएगी, लेकिन एक प्रकार से हर परिवार का एजेंडा बनना चाहिए, ये हर परिवार की चर्चा का विषय बनना चाहिए। अगर व्यापारी हर महीने हिसाब लगाता है कितनी कमाई की, शिक्षा में रुचि रखने वाले परिवार में चर्चा करता है बेटों को कितना मार्क्स आया, उसी प्रकार से परिवार के अंदर सहज रूप से शारीरिक श्रम, शारीरिक व्यायाम, फिजिकल फिटनेस, ये रोजमर्रा की जिंदगी के चर्चा के विषय बनने चाहिए। और साथियों, भारत में ही अचानक इस तरह की जरूरत महसूस हुई हो ऐसा नहीं है। समय के साथ ये बदलाव सिर्फ भारत में ही आ रहा है ऐसा भी नहीं है, पूरे विश्व में आज इस तरह के अभियानों की जरूरत महसूस की जा रही है। अनेक देश अपने यहां फिटनेस के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बड़े बड़े अभियान चला रहे हैं। हमारे पड़ोस में चीन हेल्दी चाइना 2030 इसको मिशन मोड में काम कर रहा है, यानी 2030 तक चाइना का हर नागरिक तंदुरुस्त हो इसके उन्होंने पूरा टाइम टेबल बनाया है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया अपने नागरिकों की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने और इनएक्टिव यानी आलसीपन जो है, कुछ करना धरना नहीं, उस स्वभाव को बदलने के लिए उन्होंने लक्ष्य तय किया है कि 2030 तक देश के 15% नागरिकों को ये आलस से बाहर निकाल करके फिटनेस के लिए एक्टिव करने के लिए हम काम करेंगे। ब्रिटेन में जोर शोर से अभियान चल रहा है कि 2020 तक 5 लाख नए लोग डेली एक्सरसाइज के रूटीन से जुड़ें, ये उन्होंने टारगेट तय किया है। अमेरिका 2021 तक
अपने 1000 शहरों को फ्री फिटनेस अभियान से जोड़ने का काम कर रहा है। जर्मनी में भी फिट इंस्टीड ऑफ फैट इसका बड़ा अभियान चल रहा है। साथियों, मैंने आपको कुछ ही देशों के नाम गिनाए हैं। अनेक देश बहुत पहले से इस पर काम शुरू कर चुके हैं। इन सारे देशों में लोग फिटनेस की जरूरत को समझते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने यहां विशेष अभियान शुरू किए हैं। सोचिए आखिर क्यों? क्योंकि सिर्फ कुछ लोगों को फिट रहने से नहीं, बल्कि पूरे देश के फिट रहने से ही देश का फायदा होगा। नया भारत का हर नागरिक फिट रहे, अपनी ऊर्जा बीमारियों के इलाज में नहीं, बल्कि खुद को आगे बढ़ाने में, अपने परिवार, अपने देश को आगे बढ़ाने में लगाए, इस दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। साथियों, जीवन में जब आप एक लक्ष्य तय कर लेते हैं, तो उस लक्ष्य के अनुसार ही हमारा जीवन ढलना शुरू हो जाता है। जीवन ढल जाता है, हमारी आदतें वैसी बन जाती हैं, हमारी दिनचर्या वैसी बन जाती है। हमको सुबह 8 बजे उठने की आदत हो, लेकिन कभी सुबह 6 बजे अगर जहाज पकड़ना है, 6 बजे ट्रेन पकड़नी है, तो हम उठते ही हैं, तैयार होकर चलते ही हैं। हमने देखा होगा स्टूडेंट्स, किसी स्टूडेंट ने अगर यह तय किया कि मुझे 10वीं या 12वीं के बोर्ड में कम से कम इतने परसेंट लाने ही हैं, तो आपने देखा होगा वो अपने आप अपने खुद में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना शुरू कर देता है। अपने लक्ष्य को हासिल करने की धुन में उसका आलस खत्म हो जाता है, उसकी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है, वो दोस्तों से समय धीरे धीरे कम करता जाता है, थोड़ा खाने की आदत कम कर जाता है, टीवी देखना बंद कर देता है, यानी जीवन को ढालने लग जाता है, क्योंकि मन में एक लक्ष्य हो गया कि मुझे ये करना है। इसी तरह कोई अगर अपने जीवन का लक्ष्य वेल्थ क्रिएशन बनाता है, तो उसका जीवन भी बदल जाता है, वो 24 घंटे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटा रहता है। ऐसे ही जब जीवन में फिटनेस के प्रति अवेयरनेस आती है, हेल्थ कॉन्शियसनेस आती है, मन एक बार तय करे कि भाई मैं बिल्कुल ही कभी थकूंगा नहीं, कभी सांस फूलेगी नहीं, चलना पड़े तो चलूंगा, दौड़ना पड़े तो दौड़ूंगा, चढ़ना पड़े तो चढ़ूंगा, रुकूंगा नहीं, आप देखिए धीरे 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 आपकी जीवन दिनचर्या भी वैसी बनना शुरू हो जाती है। और फिर ऐसी चीजें जो शरीर को नुकसान करती हैं, उससे वो व्यक्ति दूर रहता है, क्योंकि उसके अंदर एक कॉन्शियसनेस है, जागरूक हो जाता है। जैसे वो ड्रग्स की गिरफ्त में कभी नहीं आएगा, उसके लिए कभी ड्रग्स कूल नहीं होगी, स्टाइल स्टेटमेंट नहीं बनेगी। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे कि अगर जीवन में पर्पज हो, पूरे पैशन के साथ उसके लिए काम किया जाए, तो अच्छा स्वास्थ्य, सुख समृद्धि उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में आपके जीवन में आ जाते हैं। अपने जीवन के उद्देश्य को हासिल करने के लिए हमारे भीतर एक जुनून, एक इच्छा शक्ति, एक लगन का होना भी उतना ही जरूरी है। जब एक पर्पज के साथ, पैशन के साथ हम काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो सफलता हमारे कदम चूमने के लिए तैयार हो जाती है। और सफलता पर आपने वो कहावत भी सुनी होगी, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। यानी इस कहावत में भी आपको
सीढ़ी के कदम चढ़ने के लिए कहा गया है। स्टेयर्स तो आप तभी चढ़ पाएंगे जब फिट होंगे, वरना लिफ्ट बंद हो गई तो सोचेंगे यार आज नहीं जाएंगे, कौन चौथी मंजिल पे जाएगा। भाई और बहनों, सफलता और फिटनेस का रिश्ता भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज आप कोई भी क्षेत्र लीजिए, अपने आइकॉन्स को देखिए, उनकी सक्सेस स्टोरीज को देखिए, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, फिल्मों में हो, बिजनेस में हो, इनमें से अधिकतर फिट है। ये सिर्फ संयोग मात्र नहीं है, अगर आप उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि एक चीज ऐसे हर व्यक्ति में कॉमन है। सफल लोगों का कॉमन कैरेक्टर है फिटनेस पर उनका फोकस, फिटनेस पर उनका भरोसा। आपने बहुत से डॉक्टरों को भी देखा होगा, बहुत पॉपुलर होते हैं और दिन में 10-10 12-12 घंटे अनेक पेशेंट के ऑपरेशन करते हैं। बहुत से उद्यमी सुबह एक मीटिंग एक शहर में करते हैं, दूसरी मीटिंग दूसरे शहर में करते हैं, उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती, उतनी ही अलर्टनेस के साथ काम करते हैं। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको अपने प्रोफेशन में एफिशिएंसी लानी है तो मेंटल और फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। चाहे बॉर्डरूम हो या फिर बॉलीवुड, जो फिट है वो आसमान छूता है। बॉडी फिट है तो माइंड हिट है। साथियों, जब फिटनेस की तरफ हम ध्यान देते हैं, फिटनेस पर ध्यान देते हुए अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं तो इसमें हमें अपनी बॉडी को भी समझने का मौका मिलता है। ये हैरानी की बात है, लेकिन हम अपने शरीर के बारे में, अपनी ताकत, अपनी कमजोरियों के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। इसलिए जब हम फिटनेस की अपनी यात्रा पर निकलते हैं तो अपनी बॉडी का बेहतर ढंग से समझना शुरू करते हैं। और मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने ऐसे ही अपनी बॉडी की शक्ति को जाना है, पहचाना है। इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है, जिससे एक बेहतर व्यक्तित्व के निर्माण में उन्हें मदद मिली है। साथियों, फिट इंडिया अभियान भले ही सरकार ने शुरू किया है, लेकिन इसका नेतृत्व आप सभी को ही करना है। देश की जनता ही इसे कैंपेन को आगे बढ़ाएगी और सफलता की बुलंदी पर ले पहुंचाएगी। मैं अपने निजी अनुभव से कह सकता हूं कि इसमें इन्वेस्टमेंट जीरो है, जीरो इन्वेस्टमेंट, लेकिन रिटर्न असीमित है। यहां मंच पर मानव संसाधन विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, मेरा उनको विशेष आग्रह है कि देश के हर गांव में, देश की हर पंचायत में, देश के हर स्कूल में ये अभियान पहुंचना चाहिए। ये अभियान सिर्फ एक मंत्रालय का नहीं है, सिर्फ सरकार का नहीं है, ये सरकार चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो, नगरपालिका हो, पंचायत हो, कोई भी दल हो, कोई भी विचारधारा हो, फिटनेस के संबंध में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पूरा देश, हर परिवार इस पर बल दें। अभी हमने कार्यक्रम में देखा, हमारे यहां फिटनेस के साथ वीरता का भी महात्मा है, लेकिन दुर्भाग्य से सीमित सोच के कारण, पूर्ण सोच के अभाव के कारण हमने हमारे परंपराओं से ऐसी गाड़ी डिरेल कर दी है। जैसे कभी हमारे यहां जो
60 70 80 साल के लोग के उम्र के लोग होंगे, जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो तब तलवार का तब पढ़ाया जाता था, तब तलवार का तब। बाद में कुछ बुद्धिमान लोगों ने विवाद खड़ा किया, सीमित सोच का परिणाम था कि भाई तलवार बच्चों को पढ़ाने से उसके अंदर हिंसक मनोवृत्ति आती है, तो क्या करें, तो तलवार को निकाल दो, तब तरबूज का तब पढ़ाओ। यानी हमने किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक रूप से भी हमारी इन महान परंपराओं से वीरता को भी, शारीरिक सामर्थ्य को भी, फिटनेस को भी बहुत गहरी चोट पहुंचाई। और इसलिए मैं चाहूंगा हर प्रकार से हम फिटनेस को एक उत्सव के रूप में, जीवन के एक हिस्से के रूप में, परिवार के सफलता के जितने भी मानक हो उसमें फिटनेस भी एक परिवार की सफलता का मानक होना चाहिए। व्यक्ति के जीवन की सफलताओं में भी फिटनेस उसका एक मानक होना चाहिए। अगर इन भावों को लेकर के हम चलते हैं, और राज्य सरकारें हो, मैं उनको भी कहूंगा कि फिट इंडिया मूवमेंट को ज्यादा से ज्यादा विस्तार देने, इसे देश के दूर दराज वाले क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए हर कोई आगे आए, अपने स्कूलों में, अपने कार्यालयों में, अपने राज्य के लोगों में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाकर उनके लिए आवश्यक संसाधन जुटाकर हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेली अपना कुछ समय फिटनेस को देने के लिए प्रेरित करना होगा। स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज, यही नए भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने का रास्ता है। जैसे आपने स्वच्छ भारत अभियान को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, उसी तरह फिट इंडिया मूवमेंट को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। आइए आप आज ये संकल्प लें, ये प्रतिज्ञा लें कि आप खुद भी फिट रहेंगे, अपने परिवार, मित्रों, पड़ोसियों और जिनको भी आप जानते हैं उन सभी को फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मैं फिट तो इंडिया फिट, इसी एक आग्रह के साथ एक बार फिर इस अभियान के लिए देशवासियों को मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं, और समाज के हर तबके में नेतृत्व करने वाले लोगों से मेरा आग्रह है कि आप आगे आइए, इस मूवमेंट को बल दीजिए, समाज के स्वस्थ होने में आप भी हिस्सेदार बनिए। इसी एक अपेक्षा के साथ, अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन शब्दों से हमें प्रेरित करने के लिए और फिट इंडिया अभियान को प्रारंभ करने के लिए मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। हम सब की ओर से देवियों और सज्जनों और प्यारे बच्चों, आप सभी से निवेदन है और आप सब से भी कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्र गान के लिए।
राह ही न बदले खुद को भी बदल ना जाने